अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को चावल की खीर बनाने का एक आसान तरीका। बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत कम सामान के साथ बनती है। इसमें ना हमें घंटों पकाना पड़ता है, ना ही इसे पकाने के लिए हमें इसे चावल भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें इसे बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका सा मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए जी हाँ, मैं बहुत ही सरल तरीका आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि रक्षाबंधन भी आ रही है, आप लोग उस पर बनाइए। आपके घर गेस्ट आते हैं जब बनाइए, अक्सर हम लोग का भी मन कर जाता है कि यार खीर खाने के लिए, लेकिन खीर बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम लोग नहीं बना पाते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 लीटर फुल क्रीम दूध। आप फुल क्रीम दूध ही लीजिएगा, क्यों, खीर बनाने के लिए फुल क्रीम दूध का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, टोन दूध में वो अच्छे से नहीं बनती है। तो मैंने यहाँ पर ये 2 लीटर दूध लिया है, और ये मैंने लिए हैं 1 कप चावल। चावल को मैंने धोकर साफ़ करके रख लिया है। मैंने ये 1 कप चावल लिया है, और जितने मैंने चावल लिए हैं उतने ही मैंने लिए हैं चीनी, यानी कि 1 कप चावल लिया है तो 1 कप ही मैंने चीनी ली है। चीनी हमेशा उतनी ही डालिए जितना आप चावल ले रहे हैं, उतनी चीनी डालिए। ऐसा करने से खीर कभी भी आपकी ज़्यादा मीठी नहीं होगी, ना ही कम मीठी रहेगी, बिल्कुल बैलेंस रहता है। मैं हमेशा इसी तरह से डालती हूँ, इसी मेजरमेंट से डालती हूँ कि जितना मैं चावल यूज़ करती हूँ उतनी ही चीनी भी यूज़ करती हूँ। तो अब हम खीर बनाने के लिए यहाँ मैं लूँगी कुकर। जी हाँ, मैं कुकर में खीर बनाऊँगी। कुकर को मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, इसमें बिल्कुल भी मसालों की स्मेल नहीं आ रही है। आप भी इसे अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद ही इसमें खीर बनाइएगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। मैं अभी पूरा दूध नहीं डालेंगे, अभी हम आधा दूध डालेंगे, और आधा दूध मैं बाद में आपको बताऊंगी कि कब डालना है। अब मैं ये चावल डाल दूंगी इसमें, ये मैंने पहले ही धोकर रख लिए थे। ये बचे हुए चावल भी डाल दूंगी सारे। चावल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब हम इसमें डाल देंगे खसखस। खसखस बहुत थोड़ी सी ही डालेंगे। अब मैं डाल दूंगी 4 से 5 कुटी हुई इलायची। हरी इलायची ली है मैंने। अब इसे मिक्स कर देंगे। इसमें उबाल आ चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। इसको हमें बिल्कुल भी सीटी नहीं लगाएंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। याद रखिए, इसमें सीटी बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। देखिए, मैंने इसमें सीटी नहीं लगाई है, इसके बावजूद भी आपको हल्का हल्का दूध ऊपर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चावल बिल्कुल अच्छी तरह से गले हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से। आप अगर थोड़ा सा साबुत रखना चाहते हैं चावलों को, तो आप इसी तरह से रखिए, चम्मच से ही घुमा लीजिए, वरना आप इसे मैसर से मैश कर लीजिए। ऐसा करने से इसका और भी ज़्यादा क्रीमी टेक्स्चर हो जाएगा। अब मैं डाल दूँगी ये दूध बचा हुआ। देखिए, मैंने यहाँ डाला है ये दूध। अगर मैं पहले ही एक साथ दूध डाल देती तो ये कुकर से बाहर आने लगता है, इसलिए मैंने आधा ही दूध यूज़ किया था। अब मैंने आधा दूध डाल दिया है। अब देखिए, बहुत अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब मैं डाल दूंगी चीनी। चीनी मैंने 1 कप ली है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर पका लेंगे 5 मिनट के लिए। अब डालेंगे हम ये खोया, ये मैंने लिया है 1/2 कटोरी, और ये 1/2 कटोरी लिए है मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, और ये लिए मैंने 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल। अब चेक कर लेते हैं कि हमारी खीर का क्या हाल है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से पक रही है खीर। अब ये डाल देंगे खोया। अगर आप खोया नहीं डालना चाहते हैं तो आप काजू का पेस्ट डाल दीजिए, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब डाल देंगे नारियल, थोड़ा सा बचा लूंगी मैं। अब ये ड्राई फ्रूट्स, ये भी डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे, 5-7 मिनट इसे और पका लेंगे। देखा आपने, अभी मुश्किल से 20 मिनट हुए हैं मैं खीर पकाते हुए, लेकिन खीर हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा गाढ़ी है, ना ही ज़्यादा पतली है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और प्लेटिंग करते हैं। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। पूरे किचन में खीर की खुशबू हो रखी है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा गाढ़ी है, ना ही ज़्यादा पतली है। अब मैं इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ये मैंने नारियल डाल दिया है। अब पिस्ता, थोड़ा सा बादाम। खीर में जितना ड्राई फ्रूट्स है उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है।
ये देखिए खीर बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी, ये चिल्ड करके खाइए तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। जैसे हम लोग घंटों पकाने के बाद खीर का जो टेस्ट आता है वही टेस्ट है इसमें। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप ट्राई करेंगे तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी, आपकी खीर कैसी बनी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।